दिया है, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा है? इतने साल बाद पतंग जगा रही है हाँ। तो तुझे ना किसी एक्सपर्ट की सलाह लेनी चाहिए। कौन एक्सपर्ट बा? मैं और कौन। देख कई बार ना पतंग चगाते चगाते हाथ से डोर ऐसे छूट जाती है। इसका मतलब ये नहीं डोर को ऐसे छुट्टी रहने दे, ऐसे लपक के पकड़ने में ही समझदारी है। पतंग चाहे दूसरों की छत पे है पर पतंग है तो अपनी ना। बेटा पतंगबाजी की एक बात मैं भी तुझे बताता हूँ। क्या है, छोटी पतंग चाहे कितनी भी गलती करे बड़ी पतंग को कभी दिखाई नहीं देती। उसको ये समझ में नहीं आता कि ज्ञान के मोती डोर को नहीं छोटी पतंग को बताने चाहिए। आपका मतलब है मैं हमेशा मेरे बेटे को डांटती रहूं बस? अरे इसमें तेरे बेटे की बात कहाँ आई, हम तो पतंगबाजी की बात कर रहे थे, है ना, है ना? आप लोग चलिए, मैं जरा सामान लेकर आती हूँ। चलिए। सबसे पहले आज आपकी पतंग काटूंगी। बा गुस्सा आपके फेस पे सूट नहीं करता। हाँ मम्मी कभी कभी तो स्माइल कर लिया करो। सारी दुनिया की पतंग काटूंगी बाद में स्माइल करूंगी। मैं नंदिनी को बुलाकर लाता हूँ। अपनी हिंदी क्लास में स्कूल में क्या कहा था? हाँ बाबा याद है, मैंने उनको बोला था वो जो मुहावरा है कि तिल के तार बनते हैं वो नहीं है, क्योंकि तिल के तार नहीं तिल के तो लड्डू बनते हैं। एग्जैक्टली। जिलमीर दरवाजे को ताला लगा के चली जाना और मामा जी को भूलना नहीं। फिर एक फेस्टिवल है और फिर भी मेरे साथ नहीं है, पर इस बार मैं यहाँ हूँ। आई एम हियर। नंदू सॉरी वो मुझे डोरी आई मीन डोर नॉक करके आना चाहिए था, सॉरी। इट्स ओके, वो प्लीज मेरी जैकेट पास कर देना। या शॉप। जस्ट गिव मी 5 मिनट्स, अब मैं 5 मिनट में रेडी होके आती हूँ। हाँ आराम से, मैं डोरी आई मीन डोर के पास वेट कर रहा हूँ। ओके यप
I'm okay. Happy Sankranti. Okay. Happy Sankranti. चले हाँ। मेरे दिल की बात तुम तक भी पहुंचेगी और तुम्हारी फैमिली तक भी। मम्मी हाँ चलिए आइए, आपको जो भी पतंग पसंद है आप चूज कर लीजिए। ओके मम्मी, आप तो काइट फ्लाइंग में एकदम प्रो लग रही हो। प्रो मतलब जैसे तेरा वो ब्रो कोट। अरे मम्मी ब्रो नहीं प्रो, यानी कि प्रोफेशनल एक्सपर्ट। आखिर मम्मी किसकी है? हम सब की। जीजा जी, मुझे याद आ गया, मुझे पतंग उड़ानी आती है।
सॉरी। जी अरे त्योहार है। बड़ी अपनी पतंग संभालिए, मैं आपकी पतंग काटने जा रहा हूँ। तू पहले अपनी पतंग संभाल। अरे तोशु तू अपनी संभाल। कमान बेटा। काई पूछे। अरे ये काइट कटर को संभालो वरना ये पूरे मोहल्ले के पतंग काट डालेगी। काटूंगी और सबसे पहले तो वो विमला बहन की पतंग काटूंगी। मेरी पीठ पीछे गली में मेरी बुराई करती है ना, आज तो बदला लूंगे। अरे मेरी महापराक्रमी लीला देवी, ये त्योहार है, ये कोई युद्ध नहीं है। मेरे लिए तो युद्ध ही है, और आप ना मेरा ध्यान मत बटाइए, मांझा पकड़िए। अच्छा है दीदी, मेरी पतंग किसी ने काट दी। मामा जी आपकी पतंग आपने खुद अपने पेड़ पे टांग दी। अरे अरे क्या डोली, कितने सालों से तुम्हें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, अब तो मीनू को भी आ गया लेकिन तुम्हें नहीं। हाँ रहने दो, मुझे नहीं सीखना है, और वैसे भी मैं तुम्हारी लेडी लग, तो तुम ना पतंग पे ध्यान दो वरना मेरा लेडी लग भी काम नहीं करेगा। क्यों क्या हुआ समर बेटा, तो मुकाबला जीतने वाला था। अब 11,111 रुपए मेरे बैंक अकाउंट में जमा कर देना, ब्याज आएगा। अरे फिर से कोशिश करो, एक बार हार गए इसका मतलब यह नहीं कि दोबारा नहीं जीत सकते। बस पिछली बार जो गलती की है वो फिर से मत करना।